नवरात्रि उत्सव के दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की स्तुति और पूजा की जाती है। नौ दिनों तक देवी के भक्त गायन और वाद्य यंत्र बजाकर देवी की स्तुति और महिमा करते हैं। इसलिए नवरात्रि उत्सव के दौरान हर दिन देवी के सामने बैठना और जस गाना पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। घट स्थापना से लेकर विसर्जन तक जस भजन मंडली के माध्यम से विभिन्न तरीकों से देवी की महिमा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपरा आज भी जारी है। गोंदिया जिले के कई हिस्सों में पहले गंदारी भाई हुआ करते थे। वे गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव और कुछ धार्मिक आयोजनों में अराजकता करते थे, लेकिन हाल ही में यह भ्रमित भाई गायब हो गया है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से काफी प्रभावित है। इस क्षेत्र में नवरात्रि उत्सव साल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस बीच न केवल देवी के भक्त बल्कि हर घर से लोग घर से निकलकर देवी मंडप में शामिल होते हैं। वे देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा की स्थापना के बाद प्रतिदिन शाम को आरती के बाद जस मंडली या भजन मंडली देवी का जस गाती है। इसमें गायन के साथ साथ वाद्य यंत्रों का भी बहुत महत्व है। ढोलकी, जंज, मंजीरा, ताल, कैसियो, बांसुरी और शहनाई सहित विभिन्न प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाए जाते हैं। जसचा महत्व म्हणजे आमचे जे गुरु होते रामजी बसेना, त्यांनी हे नवयुवक जस मंडळची स्थापना केली आणि तेव्हापासून आम्ही लोक जे आहे इतके ते नवरात्रीच्या पावन पर्वावर नेहमी देवीचे नऊ दिवस गुणगान करून जसच्या माध्यमातून जेवढं आम्ही लोकांपर्यंत देवीचे भक्तिभाव आणि देवीच्या बद्दल माहिती व नऊ दिवसाचे देवीचे जे नऊ रूप राहतात किंवा देवीच्या बद्दल जे राहतात ते आम्ही आमच्या नवयुवकद्वारा लोकांना भजनाच्या द्वारा किंवा जस्ताद्वारा आम्ही कळवत राहतो आणि आमचे जे गुरु होते श्री रामजी बसेना यांनी आम्हाला हे शिकवलं आहे आणि त्यांच्या पदचिन्हावर आम्ही लोक आतापर्यंत तसे चालत आहोत आणि नवरात्रीचा पावन पर्व आम्ही एवढ्या धूमधामाने हे करतो आणि एक देवीच्या भक्तीच्या स्वरूपात आम्ही लोक देवीच्या नऊ रूपाचे गुणगान करून लोकांपर्यंत जसच्या माध्यमातून सांगायचा प्रयत्न करतो। जसमध्ये आमचे देवीचे रूप, देवी कशी प्रकट झाली, देवीने कोणत्या कोणत्या दानवाचा नाश केला, देवीने माणसांसाठी काय केलं आहे, काय आम्ही लोकांनी त्याच्याप्रती केलं पाहिजे आणि समाजामध्ये देवीने एक नारीच्या स्वरूपात काय हे दिलेलं आहे ते आम्ही लोकांपर्यंत सांगत राहतो की नारीचे किती रूप आहेत आणि कसं नारीचा सन्मान केला पाहिजे। इन बिसेन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।